आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिसका नाम एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी है। इसका प्लान नंबर है 916। एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी में फिक्स डिपॉजिट करने पे आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ इंश्योरेंस कवर और मनी बैक भी मिलता है। यह मनी बैक आपको कब कब मिलेगा और कितना मिलेगा, यह मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ संकेत, आपका अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स में अपनी एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है या आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आप सबको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम यानी एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी की पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें यह बताऊंगा कि आप कितने अमाउंट की यह पॉलिसी ले सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितने अमाउंट का आप समय श्योर ले सकते हैं, कितने साल के लिए यह पॉलिसी ले सकते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, यह सब बताऊँगा। साथ ही साथ आपको इस पॉलिसी में टैक्सेशन का क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, यह भी बताऊँगा। और अगर आप बाद में इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं इसके अगेंस्ट में, तो आपको कितनी वैल्यू मिल सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 लाख रुपए की यह पॉलिसी लेते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम जिसका नाम एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी है, अगर आप 1 लाख रुपए की यह पॉलिसी लेते हैं तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, साथ ही साथ 1 लाख रुपए की पॉलिसी पे कितना मनी बैक मिलेगा, कब कब मिलेगा, यह भी बताऊँगा। मैच्योरिटी कितनी मिलेगी वो भी बताऊँगा। और सबसे लास्ट में यह भी बताऊंगा कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है बीच में ही, पॉलिसी के बीच में ही, तो उनके नॉमिनी को, उनके फैमिली को कितना डेथ क्लेम मिलेगा एलआईसी की तरफ से। एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम यानी एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी एक सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, जिसमें आपको सिर्फ एक बार ही पैसा जमा करना होता है। इस पॉलिसी में आपको हर 3 साल के अंतराल पे, यानी हर 3 साल के गैप पे आपको मनी बैक मिलता है। अब सवाल आता है कि यह मनी बैक आपको जो हर 3 साल पे आपको मनी बैक मिलता है, यह आपको कब तक मिलेगा? तो जब तक आपकी यह पॉलिसी है, यानी जब तक यह पॉलिसी आपको मैच्योर नहीं हो जाती, तब तक यह आपको मनी बैक मिलता रहेगा हर 3 साल के अंतराल पे। अब बात करते हैं एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आप कितने समय के लिए या कितने साल के लिए एफडी कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस पॉलिसी में 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं आपके पास। आप या तो 9 साल के लिए एफडी कर सकते हैं, या आप 12 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, या आप 15 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं एलआईसी की पॉलिसी में। अब बात करते हैं एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आप कितने अमाउंट की यह पॉलिसी ले सकते हैं, यानी मिनिमम और मैक्सिमम समय श्योर्ड आप कितना ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, 9 साल, 12 साल, 15 साल के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप 9 साल के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं तो आपको कम से कम 35,000 रुपये की यह पॉलिसी लेनी होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 12 साल के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं तो कम से कम आपको 50,000 की लेनी होगी और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप 15 साल के लिए यह पॉलिसी लेना चाहते हैं, यानी एलआईसी की फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम यानी कम से कम आप 70,000 रुपये का सम एश्योर्ड लेना होगा और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप इनमें चाहे 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ रुपए से ज्यादा अमाउंट का भी समय श्योर ले सकते हैं। अब बात करते हैं एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम एंट्री एज क्या होनी चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जिनकी एज 15 साल से लेकर 50 साल है, वो एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में, मतलब एलआईसी बीमा बचत पॉलिसी में निवेश कर सकते हैं। चाहे आप पॉलिसी टर्म आपका 9 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, तीनों ही ऑप्शन में मिनिमम एज है 15 साल और मैक्सिमम एज है 50 साल की। अब बात करते हैं एलआईसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम में पॉलिसी बेनिफिट की। तो अगर मैं पॉलिसी बेनिफिट की बात करूं तो यहां पे 3 पॉइंट्स होते हैं कि डेथ पे क्या मिलेगा नॉमिनी या फैमिली को, पॉलिसी के बीच में क्या मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, और पॉलिसी की मैच्योरिटी पे पॉलिसी होल्डर को क्या मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डेथ के केस में उनके नॉमिनी को, उनके फैमिली को क्या मिलता है पॉलिसी होल्डर के। तो अगर पॉलिसी लेने के 5 साल के अंदर अंदर ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सम एश्योर्ड वाला अमाउंट मिलेगा। से ना, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता हूँ आपको, सम एश्योर्ड अलग होता है, प्रीमियम अमाउंट अलग होता है। से ना,
प्रीमियम अमाउंट वो अमाउंट होता है जो आपको पे करना होता है। सही ना, अगर मान लेते हैं आप 10 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं, तो आपको अगर पॉलिसी होल्डर की 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को 10 लाख रुपए ही मिलेगा। और अगर 5 साल के बाद डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, तो सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन अगर कोई होता है तो उनके नॉमिनी उनकी फैमिली को मिलेगा। सही ना, जिसमें 10 लाख अगर सम एश्योर्ड है 10 लाख का, तो 10 लाख रुपये प्लस जो भी बोनस या लॉयल्टी एडिशन हुआ होगा वो उनके नॉमिनी या फैमिली को मिलेगा। अब बात करते हैं मनी बैक की। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि हर 3 साल के अंतराल पे मनी बैक मिलता है। तो अगर आप 9 साल के लिए LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम यानी LIC बीमा बचत पॉलिसी लेते हैं 9 साल के लिए, तो आपको 3 साल पे और 6 साल पे मनी बैक मिलेगा। कितना मिलेगा तो बात करते हैं 15% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं, फिर से मैं क्लियर करता हूँ, 10 लाख रुपये आपको पे नहीं करना, प्रीमियम अमाउंट अलग होता है, प्रीमियम अमाउंट इससे कम होता है, सम एश्योर्ड अमाउंट से कम होता है प्रीमियम अमाउंट। सही ना, तो अगर आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं तो 1.5 लाख रुपये आपको तीसरे साल पे मिलेंगे और 1.5 लाख रुपये आपको छठे साल पे मिलेंगे, बाकी मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको, जिसमें आपको मैं आगे बताऊंगा क्या मिलेगा मैच्योरिटी पे। अगर आप 12 साल के लिए LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको तीसरे साल पे, छठे साल पे, 9th ईयर में आपको मनी बैक मिलेगा, वही 15% ऑफ सम एश्योर्ड। 10 लाख की अगर सम एश्योर्ड लेते हैं आप, तो 1.5 लाख रुपये तीसरे साल पे मिलेगा, 1.5 लाख रुपये छठे साल पे, और 1.5 लाख रुपये आपको 9वें साल पे मिलेगा, बाकी मैच्योरिटी पे मिलेगा आपको। अगर आप 15 साल के लिए यह पॉलिसी लेते हैं यानी LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं, तो आपको तीसरे साल पे, छठे साल पे, 9वें साल पे और 12वें साल पे मनी बैक मिलेगा, वही 15% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। अगर आप 10 लाख रुपये का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो 1.5 लाख रुपये आपको तीसरे साल पे मिलेगा, 1.5 लाख रुपये आपको छठे साल पे मिलेगा, 1.5 लाख रुपये आपको 9वें साल पे मिलेगा, 1.5 लाख रुपये 12वें साल पे मिलेगा, बाकी आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा। अब बात करते हैं मैच्योरिटी पे क्या क्या मिलता है। तो मैच्योरिटी पे आपको सिंगल प्रीमियम पेड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलता है। सही ना, मान लेते हैं अगर आपने 10 लाख रुपये की पॉलिसी पे आपने फॉर एग्जांपल अगर 6 लाख रुपये का प्रीमियम पे किया है, और 6 लाख तो आपको मिलेगा, साथ ही साथ आपको कुछ लॉयल्टी एडिशन भी मिलेगा। आप इसे एक तरीके से आप बोनस समझिए, ये दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट होगा वो आपको मिल जाएगा, बीच में आपको मनी बैक तो मिलेगा ही साथ में। अब बात करते हैं LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम में आपको इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट मिलता है। तो आप अगर ये पॉलिसी लेते हैं, तो आप इनकम टैक्स का सेक्शन होता है 80C, वहाँ पे आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। कितना टैक्स रिबेट ले सकते हैं, जितना भी आप सम एश्योर्ड लेंगे यानी जो भी आपका पॉलिसी अमाउंट होगा उसका 10%। अगर आप 10 लाख रुपये की पॉलिसी लेते हैं, तो 1 लाख रुपये का आप टैक्स रिबेट क्लेम कर सकते हैं 80C में। मैं आपको बता देता हूँ, 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये टोटल मिला के 1.5 लाख रुपये का ही टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, टैक्स रिबेट का मतलब क्लेम कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम में अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हैं या लोन लेना चाहते हैं। देखिए, पॉलिसी लेने के बाद फिनेंशियल इमरजेंसी का कुछ भी नहीं पता होता, तो आप इस पॉलिसी को सरेंडर भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अवॉइड करिए सरेंडर करना या लोन लेना, लेकिन मजबूरी है तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं और लोन भी ले सकते हैं। तो आप पॉलिसी लेने के बाद जब चाहो तब सरेंडर कर सकते हो, बस आपका प्रीमियम पे हो चुका हो। आपको मैक्सिमम 70% to 90% ऑफ योर प्रीमियम पेड, जो आपने प्रीमियम पे किया होगा टैक्सेस हटा के, उसका 70% to 90% आपको मिल जाएगा सरेंडर वैल्यू में। अगर मान लेते हैं आप सरेंडर नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोन भी ले सकते हैं। आप पॉलिसी लेने के बाद पॉलिसी लेने के एक साल बाद जब चाहो लोन मिल सकते हैं। अब लोन की कैलकुलेशन को आप इस तरीके से समझिए, लोन की जब भी कैलकुलेशन होगी कि आपको कितना लोन मिल सकता है, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होता है, जो मैंने आपको बताया कि 70% to 90% मिलता है। सही ना, तो पहले आपका सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट होगा, और सरेंडर वैल्यू का भी आपको 70 to 80% आपको लोन मिल सकता है। हाँ, आपको इंटरेस्ट जरूर पे करना होगा इस पे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ कि अगर आप 1 लाख रुपए की पॉलिसी लेते हैं 9 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल, जो 3 ऑप्शन है, तो आपका कितना प्रीमियम आएगा, आपको कितना मनी बैक मिलेगा, आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। अब इस बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने पॉलिसी होल्डर की एज मानी है 25 साल। ये एज के हिसाब से थोड़ा सा डिफर कर सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन मनी बैक का अमाउंट सेम ही रहेगा। तो अगर कोई पॉलिसी होल्डर है जिनकी एज 25 साल है, वो 9 साल के लिए LIC फिक्स डिपॉजिट स्कीम में निवेश करते हैं, यानी LIC बीमा बचत पॉलिसी में निवेश करते हैं, और वो 1 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो उनका प्रीमियम आता है लगभग 75,534 रुपये। इसमें टैक्सेस इंक्लूड है ना। तो अब मनी बैक कितना मिलेगा, तीसरे साल पे मिलेगा 15,000 रुपये और छठे साल पे मिलेगा 15,000 रुपये। जैसे मैंने बताया था 15% ऑफ योर सम एश्योर्ड, तो 1 लाख का 15% होता है आपका 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये आपको तीसरे साल पे मिलेगा पॉलिसी के बीच में ही, और 15,000 रुपये छठे साल पे मिलेगा पॉलिसी के बीच में ही। अब हम मानते हैं कि मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा लगभग 86,500 रुपीज़। यहाँ पे जो आपने सिंगल प्रीमियम पे किया है 72,000 रुपीज़ के आसपास का टैक्सेस हटा के, प्लस लॉयल्टी एडिशन यहाँ पे ऐड हो जाता है। लॉयल्टी एडिशन का अमाउंट चेंज भी हो सकता है, ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है, ये कम और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जितना आपने प्रीमियम पे किया है वो तो आपको मिलेगा मिलेगा, साथ ही जो भी लॉयल्टी एडिशन हुआ वो भी मिलेगा। अगर टोटल बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे लगभग 1,16,500 रुपये का बेनिफिट मिलता है इस पॉलिसी में। अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में ही डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को क्या मिलेगा LIC की तरफ से। तो पहले एग्जांपल में मैं मान के चलता हूँ कि पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 29 साल की एज पे, ठीक ना, 25 साल की एज थी जब उन्होंने यह पॉलिसी ली थी, और 4 साल बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो डेथ के केस में, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिसी लेने के अगर 5 साल के अंदर डेथ हो जाती है तो सिर्फ सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा। 1 लाख का सम एश्योर्ड लिया था और यहाँ पर 1 लाख रुपये का ही डेथ क्लेम उनकी नॉमिनी को मिलेगा। बीच में जो पॉलिसी होल्डर को मिला होगा वो 15,000 रुपये मनी बैक के तौर पे मिला होगा, जो तीसरे साल पे मिलता है। और अब बात करते हैं कि अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है 33 साल की एज में, यानी पॉलिसी लेने के 8 साल बाद, तो यहाँ पे 2 बार तो उन्हें मनी बैक मिल चुका होगा 15,000 रुपये का। उनके नॉमिनी को लगभग 1,11,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा LIC की तरफ से डेथ क्लेम के तौर पर। अब दूसरे एग्जांपल में मान के चलते हैं 12 साल की पॉलिसी लेते हैं अगर पॉलिसी होल्डर, और सम एश्योर्ड वही 1 लाख रुपये है, तो 1 लाख की पॉलिसी पे प्रीमियम आता है लगभग 77,500 रुपीज़ का, और जो मनी बैक मिलता है वो तीसरे साल पे, छठे साल पे, नवे साल पे 15,000 रुपये मिलेगा, और मैच्योरिटी पे मिलेगा लगभग 97,500 रुपीज़। टोटल जो इस पॉलिसी में फ़ायदा मिल रहा है वो हो जाता है लगभग 1,42,500 रुपये का। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर की बीच में ही डेथ होती है 29 साल, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं 4 साल बाद पॉलिसी लेने के, तो 1 लाख रुपये तो उनके नॉमिनी को मिलेगा क्योंकि 5 साल के अंदर अंदर डेथ हुई है, और हाँ पहला, और उनको 15,000 रुपये का बीच में मनी बैक मिला होगा पॉलिसी होल्डर को। अब बात करते हैं 35 साल की एज में अगर डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, और यानी पॉलिसी लेने के 10 साल बाद डेथ होती है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि 5 साल बाद अगर डेथ होती है तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा, तो यहाँ पे लगभग 1,15,000 रुपये का अमाउंट मिलेगा फैमिली को, और 3 बार 15,000 रुपये मनी बैक के तौर पे पॉलिसी होल्डर को मिल चुका होगा, जो तीसरे साल पे, छठे साल पे, नवे साल पे मिलता है वो मिला होगा। अब बात करते हैं अगर पॉलिसी होल्डर 15 साल की पॉलिसी लेते हैं तो 1 लाख का सम एश्योर्ड लेने पर लगभग 80,800 रुपये का प्रीमियम आता है तीसरे साल पे, छठे साल पे, नवे साल पे और 12वें साल पे 15,000 रुपये का मनी बैक मिलेगा पॉलिसी होल्डर को, और मैच्योरिटी पे लगभग 1,10,800 रुपये मिलेगा। ये एक अप्रॉक्स अमाउंट है क्योंकि लॉयल्टी एडिशन कंपनी के बोनस पे डिपेंड करता है। अब जब पहला एग्जांपल सेम रहेगा कि 1 लाख रुपये डेथ क्लेम के केस में अगर 4 साल बाद ही डेथ होती है। अब बात करते हैं मेन है कि अगर 38 साल की एज में डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, यानी पॉलिसी लेने के 13 साल बाद, तो कितना पैसा मिलेगा नॉमिनी को या पॉलिसी होल्डर को। तो यहाँ पे नॉमिनी को जो मिलेगा वो हो जाता है लगभग 1,22,000 रुपये का अमाउंट, और जो बीच में 4 बार 15,000 रुपये का मनी बैक पॉलिसी होल्डर को मिल चुका होगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल बटन को भी दबा दीजिए। मैं आपके लिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।